मैं हूँ शिवांगी सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी जिम एक्सरसाइज। मैं जब भी जिम जाती हूँ तो मैं वर्कआउट करने से पहले वार्म अप जरूर करती हूँ। तो आज जो मैं एक्सरसाइज करूँगी जिम में वो मैं करूँगी बैक वर्कआउट। तो बैक वर्कआउट करने से पहले यहाँ पर मैं एक वार्म अप सेट लगा रही हूँ जो कि मैं वाइड ग्रिप में लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरी बैक की सारी मसल्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। हम चाहे कोई भी वर्कआउट करें, चाहे वो जिम में करें, चाहे वो हम घर पर करें, कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमें वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जब हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज का हमें पूरा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मैंने वाइड ग्रिप में अपना वार्म अप सेट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं क्लोज ग्रिप में यहाँ पर अपना वार्म अप सेट दूसरा लगाऊँगी। तो अभी मैं रेस्ट ले रही हूँ, रेस्टिंग मोड में हूँ। अब इसके बाद ही जाकर मैं यहाँ पर अपना क्लोज ग्रिप वाला वार्म अप सेट लगाऊँगी। कर रही हूँ अपना क्लोज वाला वार्म अप सेट। यहाँ पर मैं इसके कम से कम 15 से 20 रैप्स इसी तरीके से निकालूंगी। आज मैं दो तरीके से वार्म अप सेट कर रही हूँ। पहले मैंने वाइड ग्रिप में वार्म अप सेट अपना कंप्लीट किया, अब मैं यहाँ पर क्लोज ग्रिप में अपना वार्म अप सेट कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद जब ये वार्म अप सेट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही मैं अपनी वर्कआउट शुरू करती हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जब ये कंप्लीट होगा फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और फिर अपना वर्कआउट करूँगी। अब मेरे सारे वार्म अप सेट जब कंप्लीट हो गए हैं तो अब मैं यहाँ पर अपनी पहली एक्सरसाइज करूँगी। यहाँ पर आज मैं अपनी पहली एक्सरसाइज लैट पुली डाउन करूँगी और इस एक्सरसाइज के मैं कम से कम 4 सेट लगाऊँगी। और जो मैं आज अपना पहला सेट इसमें जो लगा रही हूँ उसमें मैं कम से कम 15 से 20 रैप्स निकालूँगी। फिर मैं 30 सेकेंड का रेस्ट लूँगी और उसके बाद इसी एक्सरसाइज के मैं 3 सेट और लगाऊँगी। अब मैं करूंगी अपनी नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट में करूंगी मैं सिटेड रो वर्कआउट। सिटेड रो में मैं इसके कम से कम 4 सेट लगाऊंगी। यहाँ पर मैं अभी मशीन को और बेंच को पूरी तरीके से सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसे बैठ कर लगाऊंगी। इस वर्कआउट को मैं इस बेंच पर बैठ कर लगाऊंगी। और पहले मैं क्या करूंगी, पहले पूरी मशीन की मैं सेटिंग कर लूंगी, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर लूंगी इसको कि मुझे किस तरीके से लगानी है, कितने पे सेट करनी है, जो कि मैं अभी आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। अब
अब मेरी मशीन पर पूरी तरीके से सेटिंग हो गई है। अब इस एक्सरसाइज के भी यहाँ पर प्रॉपर मैं 4 सेट लगाऊंगी। पहला सेट मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं 3 सेट और लगाऊंगी। जब मेरा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसमें फिर से 30 सेकंड का रेस्ट लूँगी। 30 सेकंड के रेस्ट के बाद ही अपना अगला सेट मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस वर्कआउट के भी मैं कम से कम 12 से 15 रेप्स कंप्लीट करूँगी। 12 से 15 रेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं अपना अगला सेट लगाऊंगी, उससे पहले मैं 30 सेकंड का रेस्ट लूँगी। अब मैं करूंगी अपनी नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है स्टैंडिंग पुली लेग डाउन। इस वर्कआउट के भी मैं प्रॉपर पूरे 4 सेट लगाऊंगी। ये भी मेरी बैक का जो फैट होता है ना उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा लो वेट लगा लिया है और आज मैं लो वेट से ही यहाँ पर इसको कर रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज के भी मैं कम से कम 4 ही सेट लगाऊंगी और इसमें भी मैं कम से कम 12 से 15 रेप्स करूँगी और सेम 30 सेकंड का रेस्ट लूँगी, फिर मैं अपना अगला सेट कंप्लीट करूँगी। दिखाई अपनी सारी जिम एक्सरसाइज जो मैं बैक में अपनी करती हूँ और आज की ये मेरी सारी वर्कआउट यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।